हाय गाइस, तो आपको ये जो पिंक कलर के सुंदर सुंदर से फूल दिखाई दे रहे हैं, ये है एक्सोरा। और ये फ्लावर हैं, काफ़ी कलर वैरायटी शो करते हैं। सो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। सो वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ वी एंड नेचर। और आज हम दोबारा से बात करने वाले हैं रूबिएसी फैमिली के एक मेंबर के बारे में, जो कि है एक्सोरा कॉकिनिया। और इससे पहले भी हम एक बार रूबिएसी फैमिली के बारे में बात कर चुके हैं, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सो आप जाके चेक कीजिएगा। सो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसके फैमिली फीचर्स के बारे में। तो अगर हम बात करें तो रूबिएसी फैमिली इन्फेरी से बिलोंग करती है, जिसका सबसे बड़ा फीचर ये होता है कि ओवरी की कंडीशन है वो इन्फीरियर होती है। इसके अलावा हम बात करें तो इस फैमिली के मेंबर्स हैं वो हर्ब होते हैं, शर्ब होते हैं, मोस्टली ऑर्नामेंटल होते हैं, जिसमें एंथर है वो एपीपेटलस कंडीशन में मिलेंगे। और इसके अलावा एक स्पेसिफिक बात होती है कि इसमें इंटरपीटियोलर स्टिप्यूल देखने को मिलते हैं। तो ये हो गए इसके फैमिली फीचर्स के बारे में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं प्लांट फीचर के बारे में। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये प्लांट है, पॉटेड है। ये हमारे पास पिंक कलर का एक्सोरा है, और इसी के साथ में ये वाली जो है वो रेड कलर की एक्सोरा है, जिसमें ये कलियां हैं वो बन रही हैं और कुछ गिर चुकी हैं। सो ये जो प्लांट होता है, ये एक हर्बेशियस प्लांट होता है, जिसकी हाइट मीडियम रहती है, और हम इसको ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में ग्रो करवाते हैं। अगर हम बात करें तो रूबिएसी है ये एक डाइकॉटिलेडनी फैमिली है, जिसमें टैप रूट मिल जाएगी। अगर हम स्टेम की बात करें तो आप देख सकते हैं ये वुडी और इरेक्ट दोनों टाइप का है। लोअर पार्ट है वुडी है, अपर पार्ट है वो हर्बेशियस है, इरेक्ट है, सॉलिड होता है, एरियल है, ब्रांच्ड है। और इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट फीचर की बात करें तो आप देखिए लीफ हैं, ये रैमल और कॉलिन दोनों टाइप की हैं, जिसमें आपको अगर इनकी फाइलोटैक्सी इजीली दिख रही होगी, ये अपोजिट डेकोसेट टाइप में है। जिसमें इंटरपीटियोलर स्टिप्यूल होता है, यानी जो स्टिप्यूल होगा वो दो लीफ के बीच में होगा या फिर लीफ पेयर के बीच में होगा। अगर हम लीफ की बात करें तो लीफ है सब सेसाइल या सेसाइल फॉर्म में मिलती है, क्योंकि इसमें पीटियोल है वो काफ़ी छोटा सा मिलता है, तो आप इसको सब सेसाइल कह सकते हैं, सेसाइल कह सकते हैं, सॉरी सेसाइल तो बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, आप इसको सब सेसाइल फॉर्म में कह सकते हैं या फिर पीटियोलेट कह सकते हैं। अगर हम लीफ की बात करें तो ये ओवेट शेप में होती है, यूनिकोस्टेड रेटिकुलेट वेनिएशन, ऑब्ट्यूस टाइप की या रेट्यूस टाइप की हो सकती है, एंटायर इसमें मार्जिन मिलता है। सो ये होगी लीफ के बारे में बात। इसके बाद में आती है इनफ्लोरेसेंस, तो आप इसमें इनफ्लोरेसेंस देख सकते हैं, ये साइमोस टाइप का है। और अगर हम अच्छी तरीके से नाम लें तो इसमें जो इनफ्लोरेसेंस होता है वो ट्राइकोटोमसली साइमोस टाइप का होता है, जिसमें फ्लावर हैं वो एक देखिए ये अलग अलग एक्सिस पर है, लेकिन इसमें ट्राइकोटोमसली ब्रांचिंग होने के कारण ये आपको ऊपर से देखने पर अम्बेल में शो हो सकता है, पर ये है ट्राइकोटोमसली ब्रांचिंग। सो ये है इसका प्लांट फीचर। अभी हम बात करने वाले हैं फ्लावर के आउटर फीचर्स के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन एंड ऑल्सो लाइक शेयर एंड कमेंट। सो अभी हम आते हैं इसके फ्लावर के बारे में। तो फ्लावर देखिए, इसमें आपको ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें ब्रैकेट दिख जाएंगे, और इसके अलावा कोरोला वाला पार्ट होता है वो बहुत छोटा सा होता है, कैलेक्स हैं वो फ्यूज कंडीशन में मिलेंगे, और आपको यहाँ पर एंथर की दिख रहे होंगे। सो हमारा फ्लावर होता है
वो कंप्लीट रेगुलर साइक्लिक ब्रैक्टेट रेगुलर बाइसेक्सुअल होता है, और ओवेरी होती है वो इन्फीरियर कंडीशन में होती है यानी फ्लावर एपिगाइनस कंडीशन मिल जाएगा, और एक्टिनोमॉर्फिक होता है। तो ये हो गए फ्लावर के आउटर फीचर्स। इसके कंप्लीट फीचर्स के बारे में और फ्लोरल फीचर्स के बारे में बात करेंगे हम डाइजेशन वीडियो में।